हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो तरह के स्टेटमेंट बनाने होते हैं। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड को प्रेजेंट करने वाला एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दो तरह के स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपके बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देखिए, मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट आपको बताया है। देखिए, ऊपर आपको हेडिंग लगानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपको क्या करना है, चार कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम का आपको एक परफॉर्मा बनाना है। यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की अमाउंट, यहाँ पे करंट ईयर की अमाउंट, और यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ में और डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ में। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट है किसका, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस का, तो इसमें सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज़ें आती है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सारे के सारे करंट असेट्स। हमारे क्वेश्चन में जितने भी करंट असेट्स दे रखे होंगे सारे के सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उनकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे और करंट ईयर की अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का कंपैरिजन करेंगे। अगर वो इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ में लिखेंगे अमाउंट को, और अगर वो डिक्रीज़ हुआ है तो वो डिक्रीज़ में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक करते जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, करंट असेट्स की सबकी टोटल लगा देंगे। इस साइड की दोनों की टोटल नहीं लगानी है, इसको कंटिन्यू चलते रहने देना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी की तरफ। फिर हम लिखेंगे हमारी सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज़, जितनी भी करंट लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी वो हम सारी की सारी यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में इनकी प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की अमाउंट लिख देंगे। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर ये इंक्रीज़ हुआ है तो आपको लिखना है इसमें डिक्रीज़ में, और अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो वो आपको लिखनी है किस में, इंक्रीज़ में। ठीक है, जैसे सपोजिवली क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर में थे 50,000 और करंट ईयर में मेरे क्या है 55,000, तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये हो गए हैं इंक्रीज़, लेकिन मैं इसको लिखूँगी किस में, डिक्रीज़ में। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर इनकी भी सबकी क्या लगा देनी है, आपको टोटल कर देनी है, सब इन सारे आइटम की टोटल कर देनी है। फिर आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले कॉलम की भी क्या करनी है, टोटल करनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ए माइनस बी, जो हमने करंट असेट्स की टोटल लगाई थी उसको हमने नाम दिया था ए, और जो हमने करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल लगाई है उसको हमने नाम दिया है बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की टोटल में से बी को माइनस करेंगे, तो ए में से बी को माइनस करेंगे इसके लिए भी, और ए में से बी को माइनस करेंगे इसके लिए भी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों का कंपैरिजन करने पे हमें पता चलेगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर वो इंक्रीज़ हुई है तो मैं यहाँ इंक्रीज़ वाले कॉलम में लिखूंगी, और अगर मुझे अगर वो डिक्रीज़ हुई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। जैसे सपोजिवली यहाँ पे थी टोटल 1 लाख और यहाँ पे टोटल आ रही है 1,50,000। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे, इंक्रीज़ वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखोगे 50,000 इंक्रीज़ में। समझ में आ गया, तो ये यहाँ पे बैलेंस दोनों तरफ टोटल बराबर हो जाएगी 1,50,000, 1,50,000, और यहाँ पे इंक्रीज़ में आ जाएगी आपके 50,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन से बनेगा, और ये पूरा इसका स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें यही बनाना होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले। फिर चलते हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बनाया, देखिए ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसको ऊपर हेडिंग लगानी है फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फिर इसके बाद आप इस स्टेटमेंट फॉर्मेट में इसको बना लोगे। आप चाहो तो इसको अकाउंट के फॉर्मेट में भी बना सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्मेट ही ज़्यादा बेटर रहता है। फिर देखिए, आपको लिखने हैं सारे सोर्सेज ऑफ फंड।
सोर्सेज ऑफ फंड हमने जो पढ़े थे कि हमें फ़ंड कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जैसे फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, जब हम वर्किंग कैपिटल का चेंज का स्टेटमेंट बनाएंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बनाया है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उससे हमें इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड है, इन सब की हम क्या कर देंगे टोटल। फिर चलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सारे एप्लीकेशन, जितना भी फंड का यूजेस हो रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे फर्स्ट आएगा आपके ऑपरेटिंग लॉस। अगर ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है तो इससे भी हमारे फंड डिक्रीज होते हैं। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे यहाँ पे और इनकी भी क्या कर देंगे टोटल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, वो पता चलेगा ये दोनों टोटल आपके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती है टोटल, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो इसे भी आप ध्यान से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने दोनों के स्टेटमेंट देख लिए। अब इसके बाद में हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में जैसे कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे फर्स्ट आ रहा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम देखेंगे। देखिए ये है इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी होती है। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आपको सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कौन सा चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कि आपको कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ इस टाइप का एक स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, इसे भी आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। कुछ कुछ इसे स्टेटमेंट की जगह अकाउंट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्मेट ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब देखिए ये बनता कैसे है। आपको P&L का या सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इनको यूज़ करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस और P&L अकाउंट। आपको जो P&L अकाउंट या सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है। उसमें आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के नहीं है, या नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, और नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गए, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो आपको ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, देखिए मैंने ये पूरा हाईएस्ट फॉर्मेट बनाया है, इसमें से कुछ चीज़ें ही आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो आप सारी चीज़ें एक बार लिख करके याद कर लेना। सबसे पहली नॉन ऑपरेटिंग चीज़ आती है या नॉन कैश चीज़ आती है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है और नॉन ऑपरेटिंग भी होता है, इसका हमारे ऑपरेशन की एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी नॉन ऑपरेटिंग होता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं सारे। फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। गुडविल को राइट ऑफ करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना, इंटरिम डिविडेंड अगर हमने दिया है, प्रपोज डिविडेंड अगर हमने दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं। इन सबको आपको क्या करना है, वापस अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि हमने जो P&L में नेट प्रॉफिट निकाला था उन सबको कैलकुलेट करते समय इन सबको हमने क्या किया होगा, लेस किया होगा। तो अभी हमें क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ गया, फिर हम चलेंगे यहाँ पे इनकी टोटल कर देंगे ऐड करने के बाद। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, लेस आपको करना है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम, ऐसी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको हमको लेस करना होगा, जो कि हमने पहले क्या कर दी थी, ऐड कर दी थी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स अगर आपको दे रखा है तो उसको भी आपको लेस करना है। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इन्हें वापस आपको क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी टोटल आ जाएगी लेस करने के बाद। फिर इसमें आप लेस करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट या P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक है, फिर आपको मिलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन भी हो सकता है या ऑपरेटिंग लॉस भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। इसे अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा कई बार। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड देखिए क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हो बैलेंस शीट में तो फिर उसका क्या करना है, तो उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में एक प्रोविज़न है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्या माना जाए, करंट लायबिलिटी माना जाए। ठीक है, अगर हम इसे करंट लायबिलिटी मानते हैं तो इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इसका एडजस्टमेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी मानते हुए डाल देंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी मानना है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड की, प्रपोज डिविडेंड को भी आपको क्या मानना है, करंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, तो ये भी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रोविज़न अगेंस्ट करंट असेट्स। अगर करंट असेट्स के अगेंस्ट आपने कोई प्रोविज़न बना रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविज़न फॉर लॉस इन स्टॉक, इस तरह के जो प्रोविज़न है जो कि किसके लिए बनते हैं, करंट असेट्स के लिए। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किसके लिए बनता है, डेटर्स के लिए, या प्रोविज़न फॉर डेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोविज़न फॉर लॉस इन स्टॉक ये बनता है स्टॉक के लिए, तो इट इज़ एज्यूम एज करंट लायबिलिटी, इसे भी हमें क्या मानना है, करंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, तो ये भी करंट लायबिलिटी मान लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स असेट्स। अगर हमारे फिक्स असेट्स में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। इंक्रीज इन असेट्स ट्रीट एज परचेज ऑफ असेट्स। अगर हमारे फिक्स असेट्स में कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि हमने असेट्स परचेज किया है। ठीक है, हमने असेट्स खरीदा है। डिक्रीज इन असेट्स ट्रीट एज सेल ऑफ असेट्स। अगर हमारे असेट्स में कोई क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या मानेंगे, सेल ऑफ असेट्स, कि हमने क्या किया है, असेट्स का सेल किया है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है जब आपको डेप्रिसिएशन के बारे में प्रोविज़न नहीं दे रखा हो। अगर आपको इफ प्रोविज़न एंड रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, देन द परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आपको सेल और परचेज, जो असेट का सेल और परचेज करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंट बना के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक असेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, असेट के अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा असेट्स का। फिर इसके बाद में हम, अगर हमने कोई असेट्स बेचा है और हमें सेल की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो बाय बैंक करके लिखेंगे वो अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिंग लॉस, अगर हमें असेट को बेचने से कोई लॉस हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे, और अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन के अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और बाय बैलेंस CD, ये हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा। और इस अकाउंट को जब आप पूरा प्रिपेयर करोगे तो आपके बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ असेट। ठीक है, ये हमने असेट को परचेज किया, ये बैलेंसिंग फिगर से भी आ सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं, इसके बाद में आपको बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो कैसे बनेगा। आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए होंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस तो आप करोगे बाय बैलेंस BD करके, क्रेडिट साइड से ओपन कर दोगे। ठीक है, फिर आपको करंट ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया या करंट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन है, इस बारे में भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन
दे रखी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर इस अकाउंट को पूरा क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से ये असेट्स वाली अमाउंट निकाल देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको असेट्स के लिए कितनी अमाउंट है या असेट्स के लिए कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये अमाउंट दे रखी होती है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर से ये निकालना होता है। और कई बार क्वेश्चन में ये वाली चीज़ दे रखी होती है और हमें बैलेंसिंग फिगर से ये वाला निकालना होता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम इन अकाउंट के थ्रू कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, लेकिन अकाउंट के फॉर्मेट ये होते हैं, इससे ज़्यादा इनमें कोई चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो आप इसको भी, फॉर्मेट को भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट है 6, एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ही नहीं दे रखा होता है या सरप्लस का बैलेंस ही नहीं दे रखा होता है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इफ़ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट, अगर आपको ये बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, देन द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तब आपको क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस को फंड फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। जो अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें हमने लिखा था ना कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस एंड P&L। तो अगर वो P&L का बैलेंस या सरप्लस का बैलेंस इंडिविजुअली नहीं दे रखा हो, तो फिर हमें क्या करना है, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस को ही ले लेना है, ठीक है। क्योंकि P&L का बैलेंस जाता किस में है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है, तो हमें पूरा का पूरा रिजर्व एंड सरप्लस ले लेना है। और इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप बिजनेस, अगर कोई प्रोपराइटरशिप बिजनेस है या सिंगल बिजनेस है, तो उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट को लेना है, किसके लिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि जो प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है ना, उसमें प्रॉफिट की अमाउंट कैपिटल के अंदर ऐड की जाती है, तो हम कैपिटल से भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को ख़रीदा है या बेचा है, कौन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर शॉर्ट टर्म होते हैं तब तो हम करंट लायबिलिटी मान लेते हैं, सॉरी करंट असेट्स मान लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और परचेज और सेल किया है, तो आपको क्या करना है, परचेज को तो एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना है और सेल को सोर्सेज ऑफ फंड मानना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर। परचेज को क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड मानोगे और सेल को सोर्सेज ऑफ फंड मानोगे, ठीक है। फिर चल रहे हैं नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अगर शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ को मानेंगे सोर्सेज ऑफ फंड। आपने देखा होगा कि सोर्सेज ऑफ फंड में हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो इशू क्यों मानेंगे, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है, बड़ी है शेयर कैपिटल, तो उसे हम क्या मानेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड। और अगर डिक्रीज हुआ है तो हम क्या मानेंगे, कि रिडम्पशन हुआ है या रीपेमेंट हुआ है, तो उसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड मानेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज को क्या मानना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और यही बात लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए भी होता है कि इंक्रीज किया इट मीन्स हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ाई है, तो वो सोर्सेज ऑफ फंड है। और अगर हमने, हमारी डिक्रीज हुई है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो इसका मतलब हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ठीक है। तो ये वो सारी एडजस्टमेंट थी जो हमें फंड फ्लो के लिए आनी चाहिए। सबसे पहले तो फंड फ्लो बनता कैसे है, फंड फ्लो बनाने के लिए दो स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और वो बनाने के लिए आपको करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी से बनाना होगा। इसके बाद हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड को लिखेंगे। अब सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखने के बाद में हम उसकी टोटल लगा देंगे, तो वो हमारे प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी होगी। कई बार कई चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी होती है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा। फिर सेकेंड चीज़ हमने देखी थी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या करना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमें करंट लायबिलिटी मानना है। प्रपोज डिविडेंड का क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड को भी आपको करंट लायबिलिटी मानना है। फिर प्रोविजन फॉर करंट असेट्स हो तो उसे हमें क्या करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह हो तो उसे भी हमें करंट लायबिलिटी मानना है। फिर हमने देखा था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो अगर फिक्स असेट्स में, तो उसका क्या करना है, तो अगर कुछ नहीं कह रखा हो, डेप्रिसिएशन की कोई बात ही नहीं हो रही हो, तब तो हमें इंक्रीज़ को क्या करना है, अगर फिक्स असेट्स इंक्रीज़ हुआ तो परचेज किया है, सॉरी
हाँ परचेज किए हैं, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने सेल किए हैं, और अगर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको पूरा अकाउंट बना के और फिर आपको वो कैलकुलेशन करनी है। और फिर हमने ये देखा कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा हो तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस ले लोगे, और अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप कैपिटल का बैलेंस ले लोगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट का सेल और परचेज आपको एप्लीकेशन और सोर्स ऑफ फंड मानना है। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसको आपको सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये सारे एडजस्टमेंट थे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है कि इसका क्या करना है या इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसका कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये वो सारे एडजस्टमेंट थे जो हमें फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए रिक्वायर रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में चल रहा है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। इससे आगे वाला जो भी टॉपिक रहेंगे या इससे आगे जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।